वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में आईवी सेट के बारे में बात तो करेंगे ही। मैं आपको मेरा आइडिया बताऊं तो बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 90% लोग होंगे जिन्हें आईवी सेट की इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है और इसको कैसे यूज़ करना है। लेकिन गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है जिसका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं अपनी जो नॉलेज है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन देखिए आप लोगों का जो इतना प्यार है मेरे साथ, मैं आपसे अपनी जो ये है सीक्रेट चीज़ें जो है अब शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो एक तरह का सीक्रेट ही है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। करीबन 90% लोग हैं जिन्हें इसकी इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है बिल्कुल भी, और वो जो है रेगुलर रूटीन में इसे देखते भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस आईवी सेट दो तरह के होती हैं। पहले हम लोग वेंटेड आईवी सेट के बारे में बात कर लेते हैं, और इसी आईवी सेट के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें ऑप्शन मिलता है एयरवे वेंटेड का। तो गाइस ये देखिए जो स्पाइक है इसके नीचे आपको एयर वेंटेड मिलता है, सिर्फ वेंटेड आईवी सेट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है। और जो उनसे दूसरे आईवी सेट होते हैं, देखिए दूसरा जो नॉर्मल आईवी सेट है उसमें आपको एक निडल मिलती है प्रिक करने के लिए, और ये कुछ इस तरह का मिलता है। पहले मैं निडल लगा देता हूँ ताकि इन्फेक्टेड ना हो। और अगर दोनों को एक साथ देखें तो देखिए इसमें जो है आपको निडल मिल रही है, और जो दूसरा है वेंटेड आईवी सेट इसमें आपको एयर वेंटेड मिलता है। और एयर वेंटेड का काम सिर्फ एयरवे बनाने के लिए होता है। और अगर रेगुलेटर की बात करें तो रेगुलेटर जो हैं दोनों के सेम होते हैं। इस रेगुलेटर को कई लोग रोलर क्लैंप भी बोलते हैं, तो वो तो दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें जो है एयर वेंटेड मिलता है आपको। और आप नॉर्मली क्या होता है कि RL D5 या कोई भी बोतल होती है हम लोग लेते हैं और उसे फिर ऐसे प्रिक कर लेते हैं गाइस, यूजली है ना, ऐसे प्रिक करते हैं और फिर जो चैम्बर में फ्लूड डालते हैं ताकि एयर आगे ना जाए, और उसके बाद एक निडल लेके जो है यहाँ प्रिक करते हैं और ट्यूबिंग से एक्स्ट्रा जो एयर होती है वो निकाल देते हैं, है ना गाइस, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन इसमें जो है वेंटेड आईवी सेट में ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एयरवे बना देता है, आपको प्रिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको लाइव डेमो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए आईवी स्टैंड में मैंने बोतल टांग दी है, और जो हमारा ये रेगुलेटर है देखिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया है, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, और यहाँ पर अभी फ्लो पूरा का पूरा नहीं हो रहा। अब या तो प्रिक करें या फिर जो है वेंटेड की जो कैप है हमारी ये खोल दें। तो देखिए मैंने खोल दी है इसकी कैप, और जो फ्लो है पूरा का पूरा बन चुका है, और ऊपर आप बबल्स भी देख सकते हैं, ये देखिए आपको बबल्स दिख रहे होंगे, और जो इसका फ्लो है वो पूरा का पूरा फुल है, जितना होना चाहिए उतना है, है ना गाइस। तो बस इसका यही काम है, देखिए कैप मैंने लगा दिया और जो फ्लो है वो धीरे धीरे घट जाएगा। और अगर आपने इसमें इंजेक्शन लोड करना है तो पहले आप स्पाइक वाली जगह पर से इंजेक्शन डालें और उसके बाद स्पाइक डाल दें। तो देखिए आपने देखा जो है फ्लो घट और बढ़ रहा है हमारा जो ये कैप खोलने और बंद करने के बाद। तो बस गाइस इसका इतना ही काम है कि ये वेंटेड करता है बोतल को। तो गाइस आपने देखा आईवी सेट के बारे में, आई होप आपको ये पहले बिल्कुल नहीं पता होगा। तो वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें, और मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।